लातविया आधिकारिक तौर पर लातविया गणराज्य के रूप में जाना जाता है। उत्तरी यूरोप के बाल्टिक क्षेत्र में स्थित एक देश है। इसकी सीमाएं उत्तर में एस्टोनिया, दक्षिण में लिथुआनिया, पूर्व में रूस और दक्षिण पूर्व में बेलारूस के साथ बाल्टिक सागर के साथ एक पश्चिमी तटरेखा के साथ मिलती है। लातविया की रणनीतिक स्थिति ने इसे एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक चौराहा बना दिया है, जो सदियों से विभिन्न सभ्यताओं के प्रभावों का मिश्रण है। लातविया का इतिहास स्वतंत्रता के संक्षिप्त प्रसंगों के साथ विदेशी प्रभुत्व की अवधि से चिह्नित है। अब लातविया के रूप में जाना जाने वाला क्षेत्र मूल रूप से बाल्टिक जनजातियों द्वारा बसा हुआ था। 13वीं शताब्दी में यह जर्मन क्रूसेडर्स द्वारा जीता गया था, जिन्होंने लिवोनियन परिसंघ की स्थापना की थी। इस अवधि ने पोलिश, स्वीडिश और रूसी प्रभुत्व सहित विदेशी शासन के एक लंबे इतिहास की शुरुआत की। 19वीं शताब्दी में लातवियाई राष्ट्रीय जागृति ने राष्ट्रीय पहचान और सांस्कृतिक पुनरुद्धार की भावना को बढ़ावा दिया। लातविया ने प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति और रूसी साम्राज्य के पतन के बाद 18 नवंबर 1918 को स्वतंत्रता की घोषणा की। हालांकि यह स्वतंत्रता अल्पकालिक थी, क्योंकि 1940 में लातविया पर सोवियत संघ का कब्जा था, फिर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी द्वारा और बाद में सोवियत संघ के विघटन के बाद 21 अगस्त 1991 को स्वतंत्रता हासिल करने तक सोवियत संघ द्वारा फिर से कब्जा कर लिया गया था। लातविया का भूगोल इसके विविध परिदृश्य की विशेषता है, जिसमें विशाल वन, कई झीलें और एक लंबी तटरेखा शामिल है। देश अपेक्षाकृत सपाट है। इसके उच्चतम बिंदु गैजिकांस के साथ समुद्र तल से केवल 312 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है। लातविया के जंगल, जो इसके आधे से अधिक क्षेत्र को कवर करते हैं, वन्य जीवों की एक समृद्ध श्रृंखला के लिए घर हैं। लातविया में जलवायु समशीतोष्ण है, जिसमें 4 अलग अलग मौसम हैं। ग्रीष्मकाल आम तौर पर हल्के और गर्म होते हैं, जबकि सर्दियां काफी बर्फबारी के साथ ठंडी हो सकती हैं। देश में साल भर उच्च स्तर की वर्षा होती है, जो इसकी हरी भरी वनस्पति में योगदान देती है। लातवियाई संस्कृति स्वदेशी परंपराओं और पड़ोसी देशों के प्रभावों का एक अनूठा मिश्रण है। लातवियाई भाषा यूरोप की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक बाल्टिक भाषा समूह का हिस्सा है और राष्ट्रीय पहचान का एक महत्वपूर्ण तत्व बनी हुई है। लोक परंपराएं, विशेष रूप से संगीत, लातवियाई संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लातवियाई गीत और नृत्य महोत्सव, जो हर 5 साल में आयोजित किया जाता है, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त एक कार्यक्रम है, जो देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। लातविया में कई थिएटरों, संग्रहालयों और दीर्घाओं के साथ एक जीवंत कला दृश्य है। राजधानी शहर रीगा अपने आर्ट नोव्यू वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया है। रीगा एक सांस्कृतिक केंद्र भी है, जो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय त्योहारों और कार्यक्रमों की मेजबानी करता है। 1991 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से लातविया की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। प्रारंभ में देश को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि यह एक केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था से बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गया। हालांकि लातविया तब से यूरोपीय संघ में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। विनिर्माण, सेवाएं और सूचना प्रौद्योगिकी सहित प्रमुख क्षेत्रों के साथ देश की अर्थव्यवस्था विविध है। लातविया अपने उच्च तकनीक उद्योग के लिए जाना जाता है और स्टार्टअप और नवाचार के केंद्र के रूप में इसकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है। देश यूरोजोन का भी सदस्य है, जिसने 2014 में यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाया था। अनाज, सब्जियों और डेयरी उत्पादों के महत्वपूर्ण उत्पादन के साथ कृषि लातवियाई अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है। लातविया के वन एक मजबूत लकड़ी उद्योग में योगदान करते हैं, जबकि बाल्टिक सागर पर इसके बंदरगाह व्यापार और रसद की सुविधा प्रदान करते हैं। लातविया बहुदलीय प्रणाली वाला एक संसदीय गणराज्य है। राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख के रूप में कार्य करता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। साइमा लातविया की एक सदनीय संसद आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा चुनी जाती है और विधायी प्रक्रिया में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है।
स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से लातविया ने पश्चिमी संस्थानों के साथ एकीकरण के उद्देश्य से एक विदेश नीति अपनाई है। देश 2004 में यूरोपीय संघ और नाटो में शामिल हो गया, जो लोकतांत्रिक मूल्यों और सुरक्षा सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लातविया संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भी सक्रिय सदस्य है। लातविया को कम जन्म दर और प्रवास के कारण सिकुड़ती और उम्र बढ़ने वाली आबादी के साथ जनसांख्यिकीय गिरावट सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच आर्थिक असमानताओं के साथ साथ जातीय अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से रूसी भाषी आबादी का एकीकरण चल रहे मुद्दे हैं। इन चुनौतियों के बावजूद लातविया की भविष्य की संभावनाएं सकारात्मक बनी हुई हैं। देश की रणनीतिक स्थिति, शिक्षित कार्यबल और नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता इसे निरंतर आर्थिक विकास के लिए अच्छी स्थिति में रखती है। सामाजिक सामंजस्य बढ़ाने और जनसांख्यिकीय प्रवृत्ति को संबोधित करने के प्रयास